और गाइस यहाँ पे आप एसी केबिन ट्रैक्टर सारे कृषि प्रदर्शन में आपको देखने के लिए मिलने वाले आगे मेशी का है, और जो मेशी का डायना सीरीज का जो वो भी है यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे सोलर पैनल मोटर आप लगे शक्तिमान का आप यहाँ पे देख सकते हो, रोटावेटर सारा सब कुछ ये देखेंगे, वो भी चलेंगे हम। और जुगन हार्वेस्टिंग का मशीन वहाँ पे, और गाइस यहाँ पे स्वराज का ये देख सकते हो स्टॉल, और जो स्वराज का पुराना मॉडल 733 वो भी है, और यहाँ पे ये कौन सा 963 भी है उसका भी रिव्यू करेंगे। यहाँ पे हम आ चुके पुन्नी थ्रेशर, यानी कि पुन्नी जो कंपनी वहाँ पे आ चुके, और देखेंगे ये पुन्नी क्रेश हार्वेस्टर गाइस यहाँ पे, इसके बारे में जानकारी लेंगे हम। और यहाँ पे आप और ये गाइस ये हार्वेस्टर यहाँ पे बहुत कितनी 1, 2, 3 मॉडल हार्वेस्टर के, ये टॉप मॉडल होगा ये शायद मेरे हिसाब से। और यहाँ पे जो थ्रेशर वो है अपने को जो चाहिए थे वो थ्रेशर, और गाइस इसके बारे में देख सकते हो। और गाइस हम अभी थ्रेशर देखने के लिए जा रहे हैं, और ये अपना जो थ्रेशर नहीं सॉरी ये कौन सा है, ये मल्टी क्रॉप थ्रेशर है, ये टॉप मॉडल अभी का फिलहाल जो टॉप चली वो 5403 है गाइस, ये आप भी देख सकते हो ये थ्रेशर। और जो टोकरी की हाइट है वो हाइट ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है उसकी, टोकरी की हाइट ज़्यादा है गाइस। उसके बाद ये देख सकते हो पुन्नी टोना, और गाइस यहाँ पे जाली रखने के लिए ये स्टेट दे रखा हुआ है। और उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हो गाइस ये एलिवेटर, यानी कि जो पीछे चालने से जो बचा हुआ जो कचरा रहता है वो पीछे सिर्फ डोली में जाए, इसके लिए यहाँ पे आगे आपको देखने के लिए ये एलिवेटर दे रखा हुआ है। और ये व्हील देख सकते हो इसमें, और आपको इसमें 1, 2 और ये 3 फैन देखने के लिए मिलने वाले हैं। ये फैन लॉक भी हो जाता है, उसके बाद ये फैन भी और 5403 मॉडल है इसका। और ये देख सकते हो यहाँ पे जो पट्टा सिस्टम चेन सिस्टम दे रखी हुई है, जो रोलर सिस्टम है वो नहीं है। और रोलर सिस्टम देखेंगे, रोलर सिस्टम नहीं है, और यहाँ पे आपको ये पट्टा सिस्टम देखने के लिए मिलने वाली यहाँ पे भी। और ये पुली ये जाती है यहाँ पे सीधा, ये गेयर बॉक्स मल्टी क्रॉप थ्रेशर डोली की जो हाइट है वो बड़ी है। जो ए सी होगी तब ना, ए सी अभी लेवल में नहीं खड़ी ना, गीला में ट्रैक्टर 60 HP 60 बना मुझे लेना है अभी हमारे पास फिलहाल 50 HP का ट्रैक्टर है, 45 HP से ऊपर चलता है। नहीं हमें ना 60 HP के हिसाब से बनाना है इसको, 60 HP के हिसाब से बड़ी आती है। हाँ बड़ी आती है, जो ड्रम साइज है इसकी 40 इंच ड्रम साइज, वो हमें मेरे हिसाब से 50 इंच ड्रम साइज बनानी है। मिलेगा तेरे को मेरे भाई 48 इंच हाँ, और इसमें 48 इंच अवेलेबल है ना, अभी बनाना पड़ेगा ना। मान ले तैयार खड़ी है मशीन तो वैसे, हाँ कंपनी में तैयार खड़ी ना। हाँ। जो उसका मॉडल वो क्या है, उसका भी यही मॉडल है ना, 5403 ना, नहीं CMC। और इसमें रिवर्स गियर भी आता है ना, जो डोली रिवर्स नहीं, कह रहे रिवर्स पुन्नी में किसी ने रिवर्स नहीं, पुन्नी का माल नहीं रुकता। हाँ। और मशीनों को रुकता है इसके अंदर। ये आई है पैडी मशीन, ये पैडी में कम से कम भी 15-16 पोते ने माल निकाल रहे हैं, ये मशीन पैडी मल्टी क्रॉप भूसा नहीं बनाई। हाँ यही लपड़ा है, ये थ्रेशर भूसा नहीं बनाती।
और लेकिन मेरे हिसाब से इसकी थोड़ी जो डोली की हाइट है वो थोड़ी ज़्यादा हो। अभी मशीन आगे से ऊपर होगा ना? हाँ ऊपर होगा। तो ये नीचे जाएगा ना? लेवल की कुछ प्रॉब्लम। लेवल लेवल पे अभी तो मशीन ऐसे झुकी खड़ी है ना? हाँ झुकी खड़ी। ये पासा भी तो ऊंचा आगे का पासा देखना। हाँ नीचे मान लो 6 इंच का फर्क पड़ेगा, इतना फर्क पड़ेगा तो बहुत होगा ना? 6 इंच का बहुत होगा। 6 इंच का इस यहाँ पे आ गया। हाँ आ गया। और जो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं मल्टी क्रॉप थ्रेशर 3954502 है, नहीं सॉरी यहाँ पे 3 है लेकिन चलो 19 का सिंस 1982 से ट्रैक्टर यानी कि ये चालू। और यहाँ पे गेयर बॉक्स है, यहाँ पे गेयर बॉक्स देखो, गेयर बॉक्स इधर हाँ खालू नहीं खालू मोकड़े ये दोनों एडजस्टेबल आपल्याला किती पुल्या माहिती का? 3 बेल्ट आहे ना, 1 2 3 हां 3 ने थांबा हां 3 बरोबर 3 और जो और जो चने की जो गति है ये 1 नंबर पुली पे 1200 RPM पे रहे नहीं 1200 RPM पे रहेगा, सरसों की 1500, गेहूँ गवार बाजरा इसकी 1800 RPM यानी कि जो 3 नंबर पुली ऐसे हम देखते हैं अभी 3 नंबर पुली मेरे सबसे उस साइड है 3 नंबर पुली। और गाइस यहाँ पे ये देख सकते हो ये 3 नंबर पुली है, यहाँ पे इस पुली पे गेहूँ ज्वार गवार गवार बाजरा इत्यादि निकलेगा, इस पे एक जो बड़ी वाली पुली है उसमें चना मूंग जो मीडियम है उसमें आपको सरसों निकल जाएगी। उसके बाद हम ये देख सकते हैं मल्टी क्रॉप थ्रेशर आगे आपको ये व्हील देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पे एक छोटा सा फिर से गेयर बॉक्स ना ये तो पर छोटा सा फिर से गेयर बॉक्स हाँ। और जो खासियत है वो ये यहाँ पे आप देख सकते हो खिड़की से हम ओपन करो ना अपन खिड़की से रोलर, यहाँ पे एक रोलर है और उसके बाद यहाँ पे 2 रोलर डाले। जो इस थ्रेशर के जो टायर साइज है वो 11-2-24 की इस ये इस रोलर की यही खासियत है यानी कि जो माल एक टन है वो तो यहाँ पे ये टूल किट आपको देखने के लिए मिलेगी। और यह पे दाना साफ आता है पेन की जो पेन कम ज़्यादा करने के लिए। और गाइस ये देख सकते हो ये सीधा एलिवेटर में जाएगा यानी कि ट्रॉली में सीधा सर से जो पाइप है वो सीधा ट्रॉली में जाएगा। यस ड्रम जाल और उसके बाद अंदर का जो जारने का है ना वो देखना। हाँ देख लो ऊपर जाके ना। ठीक है हमारे पास एक है एनवीटी का एनवीटी का अच्छा वाला मॉडल दे देते हैं। नहीं ना हमें बड़ा चाहिए, बड़ा चाहिए ये मॉडल बड़ा ही है। नहीं ना ट्रैक्टर साथ सीएस दे देते हैं। सीएस उसकी जो ड्रम जाल कितनी इंच की? उसकी ड्रम जाल 40 इंच की, 40 ही अच्छा सब बड़े पर आउटपुट सबसे ज़्यादा उसका। हाँ क्या? अरे भाई इधर से खाली नहीं जाना, सब काम करा ले, डीलर आएगा कुर्सी साफ नहीं है, मैनेजमेंट देख लूँ। तो 1 घंटे में वो सोयाबीन कितना निकलेगा? वो आप गीला निकालेगा, सूखा निकालेगा, गीला निकालना तो ये निकाल देगी। हमें गीला भी माल निकालना पड़ता है और सूखा भी, मिक्स निकाल देते हैं। हाँ। 0-3 तो 1 घंटे में ये कितना देगा? 1 घंटे में आपको सोयाबीन 20 क्विंटल का निकालेगा। 20 क्विंटल ऊपर जाके देखो ड्रम जाली। हाँ 2 मिनट का खराब है। और गाइस जो थ्रेशर का ऊपर का जो ब्लेड और ड्रम जाली देख सकते हो इतना वाटर और यहाँ पे देख सकते हो जो ये ड्रम और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो और ये पेडी मल्टी क्रॉप थ्रेशर। उसके बाद जो उन्नी का वो देखेंगे उसका भी ये लेने वाले हैं और ब्लेड देख सकते हो एक लाइन में 12 ब्लेड है। और जो इसे डोली का जो ये वो
हाँ देख ठूँ खाली आता है। और गाइस जो चालन है देख सकते हो बॉक्स में कैसी फिट हो चुकी है, यानी कि परमानेंट राहू शकत नाही। और जो ना ना रोलर पा खालून सोप आहे रोलर रोलर या अशी एवढ्या साईजची। और काय रोलर देख सकते या पे आप देख रहे हो जो रोलर दे रखे हुए या पे ये नांदर शिंगोटे नाशिक। हाँ मी रात आहे रात दुकान आपली बरोबर डीलर। हाँ डीलर बड़ा मॉडल है। बड़ा मशीन यही है इससे बड़ा ये यहाँ तो हाथ ही पहुँच जाएगा। बोली जो रह जाएगा मैं चढ़ के कर दूंगा ऊपर। यहाँ तो हाथ पहुँच जाएगा कस्टमर इसमें नीचे से रहता है का? ये इतना नीचे रहता है का? नहीं रहता उसका बड़ा उसका ऊंचा रहता है। अभी तो मशीन आगे से और ऊंचा हो ऊंचा होता है। मल्टी स्पीड इधर भी है। हाँ, ये हंडी है इसकी। हाँ हंडी वो और मशीनों का क्या होता है कि नीचे हंडी क्रॉस पे क्रॉस क्रॉस पे क्रॉस लोड पे चलता है। ये लोड पे नहीं चलेगा सीधा डायरेक्ट ट्रैक्टर के साथ मशीन में लोड नहीं है। और मशीनों को देखोगे ना डबल व्हील होते हैं डबल व्हील लेकिन इसको सिंगल व्हील है। वो किस लिए दिया है वो दे ये एक ही व्हील लगा रखा है एक व्हील एक व्हील ठीक है ना। ठीक है सिर्फ इस थ्रेशर में एक व्हील आता है ना। हाँ एक, एक उसमें भी एक ही आएगा यहाँ से स्पीड कम ज़्यादा करने की कम ज़्यादा ठीक है। अभी ये फुल में घड़ी है फुल ये कम करनी है जैसे बाजरी में कम करनी पड़ती है मक्के में कम करनी पड़ती है सोयाबीन में गीला सोयाबीन होगा तो कम करना पड़ेगा सूखा सोयाबीन होगा तो फुल करना पड़ेगा। गीले में क्या होता है कि दाना हरा होता है फूटने की शिकायत हो जाती है। हाँ, हाँ, हाँ। तो इसलिए यहाँ पर राउंड कम करेंगे ड्रम के तो दाना नहीं फूटेगा एक बराबर। क्या होता है आपको समझ दो कि जो गीला माल है कटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है जब हम बड़े वाले पुली पे रखेंगे ना तब कटिंग ज़्यादा होगी यानी कि जो अपन कटिंग फास्ट होगी उसके बाद जो दाना है ना ड्रम जाल ना ऊपर बड़ी डालनी पड़ती है बड़ी। हाँ जब बड़ी ड्रम को दिखाता हूँ ड्रम जाल यहाँ पर है ड्रम जाल दिखाओ। और गाइस यहाँ पे हम ड्रम जाली देखेंगे कितने कितने साइज की। ये गीला सोयाबीन के लिए ड्रम ये गीला सोयाबीन के लिए। हाँ। और इसका जो माप है वो क्या है ये 500 500